सबसे पहले आप कैप कार्ड ओपन कर ले, उसके बाद आपको जो भी इमेजेस लेनी है वो ले सकते हैं। आपको इसमें 18 इमेजेस लेनी है। ये देखिए मैंने 18 इमेजेस स्पाइडरमैन की ले ली है। उसके बाद आपको इसको जो सबसे शुरू की, पहले आप नो बाइन का 16 कर लो, इससे कि साइज़ जो रहता ही है मतलब शॉर्ट्स का। उसके बाद ब्लर कर दो, क्योंकि जो कुछ इमेजेस में छोटी है कुछ बड़ी है तो सब एक जैसी लगती है। फिर ये देखिए सब अपने आप हिसाब साइज रहता है वो। उसके बाद जो आपकी सबकी सबसे शुरू की इमेज है पहली, इसको 0.8 पे लेना है इस तरह से, और बाकी जो दूसरी इमेज है इसको 0.6 पे लेना है। इसी तरह से आपको जो बाकी 17 इमेजेस हैं उसको 0.6 पे कर देना है। मैं जल्दी जल्दी आपको करके दिखा देता हूँ। इस तरह से सारी इमेजेस आप 0.6 पे ले लोगे आप। उसके बाद आपको इसमें 3D जूम इफेक्ट देना है सब में, जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ। इसी तरह से आपको सारे जल्दी कर जल्दी करके दिखा देता हूँ, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए मैं वीडियो फास्ट कर देता हूँ। जल्दी हो जाएगी। आपको 17 के 17 इमेज पे 3D जूम, आप ये भी दे वैसे दे सकते हो 3D जूम प्रो, मैं आला दे रहा हूँ, मुझे आला अच्छा लग रहा है। उसके बाद आपको इसमें सॉन्ग लगाना है, मैंने लगा दिया है इस तरह से। चलने के बाद इस तरह से लगेगी। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना। फिर से बोल रहा हूँ मैं, थैंक यू सो मच।